फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज के क्लास में आप सीखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन FBL5N, FBL1N एंड FBL3N इन SAP। तो आज के वीडियो में आप वो तीनों लेजर के बारे में समझेंगे कि कस्टमर लेजर, वेंडर लेजर एंड जनरल लेजर में क्या डिफरेंस है। तो इसी के बारे में मेरा आज का वीडियो है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तीनों लेजर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट जो है, सो तीनों लेजर का जो है सो मीनिंग का डिफरेंस है। जैसे FBL5N है, उसमें हम कस्टमर से रिलेटेड वो सारे ट्रांजेक्शन अवेलेबल होते हैं जो कस्टमर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर से रिलेटेड जितने भी इनवॉइस किया गया है कस्टमर को कंपनी द्वारा, वो डाटा सारे अवेलेबल होते हैं। दूसरा जो है, उनका पेमेंट डिटेल अवेलेबल होते हैं, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट डिटेल अवेलेबल होते हैं, एडवांस जो होते हैं वो सारे डिटेल अवेलेबल। FBL1 में जो है वेंडर से रिलेटेड वो सारे ट्रांजेक्शन डिटेल अवेलेबल होते हैं जो वेंडर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, वेंडर से रिलेटेड सारे वेंडर का क्लेम का डिटेल अवेलेबल होता है, कंपनी द्वारा क्लेम के अगेंस्ट जो पेमेंट दिया गया है वो पेमेंट डिटेल अवेलेबल होते हैं, यदि कंपनी द्वारा कोई एडवांस दिया गया है वेंडर को वो भी डिटेल FBL1 में अवेलेबल होते हैं। अब तीसरा जो डिफरेंस है FBL3N में जो है, GL से रिलेटेड जितने भी जनरल लेजर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक से रिलेटेड GL है तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अवेलेबल है, कैश से रिलेटेड है तो कैश से रिलेटेड अवेलेबल होते हैं। सेकेंड डिफरेंस है, तीनों का ट्रांजेक्शन कोड डिफरेंट होता है। अगर हम कस्टमर का लेजर डिस्प्ले करना होता है तो हम ट्रांजेक्शन कोड FBL5N यूज करते हैं, देखिए इस तरह का है। अगर हम वेंडर का ट्रांजेक्शन कोड यूज करते हैं तो ये देखिए दूसरा ट्रांजेक्शन कोड दूसरे स्क्रीन में FBL1N यूज करते हैं। और तीसरा FBL3N जो है, जनरल लेजर का ट्रांजेक्शन कोड जो है FBL3N है। तो तीनों का जो है ट्रांजेक्शन कोड डिफरेंट होता है। थर्ड डिफरेंस जो है, सो तीनों का जो है अकाउंट कोड डिफरेंट होता है। जैसे हम अगर कस्टमर में है तो कस्टमर में हम कस्टमर का ट्रांजेक्शन कोड देते हैं जो आपको अलग नंबर से स्टार्ट होता है ट्रांजेक्शन कस्टमर का कोड। उसी तरह अगर हम वेंडर में जाते हैं तो वेंडर का जो अकाउंट कोड है वो डिफरेंट कोड से स्टार्ट होते हैं। और तीसरा जो है FBLN का, उसका जनरल लेजर का ट्रांजेक्शन कोड डिफरेंट नंबर से स्टार्ट होते हैं। डिफरेंस जो है, तीनों का ओपन आइटम जो है ट्रांजेक्शन डिफरेंट होते हैं। अगर हम कस्टमर का ट्रांजेक्शन कोड यूज करते हैं और ओपन आइटम अगर ट्रांजेक्शन देखते हैं, देखिए हम जैसे एक्सक्यूट किए तो यहाँ पे कस्टमर से रिलेटेड वो सारे ट्रांजेक्शन अवेलेबल होते हैं जो ट्रांजेक्शन कुछ ना कुछ चीज लेके पेंडिंग है, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है, वो या तो बिलिंग के लिए पेंडिंग है या पेमेंट के लिए पेंडिंग है या क्लियर करने के लिए पेंडिंग है। अगर ओपन आइटम में आ रहा है इट मींस कुछ ना कुछ लेके पेंडिंग है, जिस कारण कस्टमर का ट्रांजेक्शन ओपन आइटम में ट्रांजेक्शन डिटेल आ रहा है। ठीक उसी तरह से जब हम वेंडर के कोड में जाते हैं और ओपन आइटम देखते हैं तो यहाँ पे आपको वेंडर से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन दिखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ यहाँ
पेंडिंग है एंट्री, जिस कारण ये ओपन आइटम में है। हो सकता है जो ओपन आइटम में वो वेंडर का बिलिंग पेंडिंग है या कंपनी द्वारा पेमेंट करना पेंडिंग है, कुछ ना कुछ पेंडिंग है, इसलिए कि वो वेंडर में ओपन आइटम में आ रहा है। फिर नेक्स्ट जो है जीएल में भी ओपन आइटम में इसलिए कि आ रहा है कि इसका भी जो है कुछ ना कुछ पेंडिंग है, जिस कारण ये जो है ओपन आइटम में ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। हम जैसे एक ट्रांजेक्शन को ये देख रहे हैं तो यहाँ भी कुछ ना कुछ पेंडिंग है, जिस कारण से ये ओपन आइटम में आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि तीनों का ओपन आइटम का जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो डिफरेंट होता है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कस्टमर में, फिर से आते हैं बीएल 5N में, इसको बैक करते हैं। जब हम क्लियर आइटम देखने के लिए जाते हैं सेकेंड, तो क्लियर आइटम का कस्टमर से रिलेटेड वो सारे क्लियर आइटम में ट्रांजेक्शन होते हैं जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसका बिल भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, वो ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया, इसलिए के वो क्लियर आइटम में ट्रांजेक्शन डिटेल है। वो ट्रांजेक्शन डिटेल जब हम डिस्प्ले करेंगे तो कस्टमर में कस्टमर से रिलेटेड डिस्प्ले होगा, वेंडर अगर है तो उसमें वेंडर से रिलेटेड आपको डिस्प्ले होगा, अगर जीएल से रिलेटेड है तो जीएल से रिलेटेड उसमें ट्रांजेक्शन डिस्प्ले होंगे। तो तीनों का जो है क्लियर आइटम भी जो है डिफरेंट होता है। ये देखिए हम आपको प्रैक्टिकली भी सामने में दिखा रहे हैं, तीनों का अलग अलग ट्रांजेक्शन आ रहे हैं तो हमारा क्लियर आइटम भी डिफरेंट है। अब नेक्स्ट हमारा है कि ऑल आइटम। अब जब हम ऑल आइटम ट्रांजेक्शन देखते हैं तो ऑल आइटम में कस्टमर से रिलेटेड वो सारे ट्रांजेक्शन डिस्प्ले होता है जो कस्टमर से रिलेटेड है, वो चाहे बिलिंग से रिलेटेड हो या वो क्लियर हो चुका हो या पेमेंट से रिलेटेड हो, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ अवेलेबल होते हैं जो कस्टमर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं तो यहाँ पे उस कस्टमर से रिलेटेड ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो सारे सारे क्लियर आइटम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ओपन आइटम का भी आएगा, रेड वाली जो कलर आता है वो सारे सारे ओपन आइटम है। ठीक इसी तरह से जब हम वेंडर में जाते हैं तो वेंडर में भी ऑल आइटम में जो है वो वेंडर से रिलेटेड वो सारे ट्रांजेक्शन अवेलेबल, ट्रांजेक्शन डिटेल अवेलेबल होते हैं जो वेंडर से रिलेटेड है, वो चाहे वेंडर का क्लेम डिटेल हो या वेंडर का वो पेमेंट डिटेल हो या वेंडर का क्लियर हो चुका हो या ओपन कर ट्रांजेक्शन डिटेल हो, वो सारे स्टार्ट टू टिल डेट वो सारे ट्रांजेक्शन डिटेल अवेलेबल होते हैं। एज पर आप अपने रिक्वायरमेंट उसको डेट वाइज पीरियड के अनुसार जो आपका रिक्वायरमेंट है वो भी डाटा आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम जनरल लेजर में जाते हैं वहाँ भी हम जब ऑल आइटम करके देखते हैं तो उस जीएल से रिलेटेड वो सारे ट्रांजेक्शन डिटेल अवेलेबल होते हैं जो जीएल से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम डेट वाइज भी आसानी से वो डाटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। तो ये तो हमारा ऑल आइटम के थ्रू भी तीनों में डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट जब हम FBL 5N यूज करते हैं उसमें बिलिंग का, कस्टमर बिलिंग का जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो RB होता है। ये देखिए डॉक्यूमेंट टाइप पे हम क्लिक किए और फिल्टर में जाके और हम डॉक्यूमेंट नंबर आपको दिखाते हैं। जब हम RB तब यूज करते हैं जब हम कस्टमर को बिल करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप RB होता है, और जब हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट DZ होता है। इसी तरह से जब हम वेंडर लेजर में जाते हैं और वहाँ पे जब हम वेंडर का कोई क्लेम अपने SAP में एंट्री पास करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप जो है सो KR होता है क्लेम का। ये देखिए KR होता है,
और जब हम वेंडर को पेमेंट देते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप जो है केजेड होता है। और इसी तरह से जब हम जीएल में जाते हैं तो जीएल में उनका जो है डॉक्यूमेंट टाइप, अगर हम जीएल वेंडर का यूज कर रहे हैं एक्सपेंस का तो वो केआर रहेगा तो केआर रहेगा, अगर डिजिट से रिलेटेड है डिजिट रहेगा। आते हैं जब हम नॉर्मल आइटम यूज करते हैं तो तीनों का नॉर्मल आइटम का ट्रांजेक्शन डिटेल डिफरेंट होता है। वो चाहे वो नॉर्मल आइटम आप ओपन आइटम के थ्रू निकालें, क्लियर आइटम के थ्रू निकालें या ऑल आइटम के थ्रू निकालें, तो नॉर्मल आइटम कस्टमर का डिफरेंट डिस्प्ले होगा, वेंडर का डिफरेंट डिस्प्ले होगा और जीएल का डिफरेंस होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा स्पेशल जीएल, जब हम स्पेशल जीएल कस्टमर के लिए यूज करते हैं तो वहां पे कस्टमर से रिलेटेड वो सारे सिक्योरिटी डिटेल हम डिस्प्ले करके देखते हैं जो कस्टमर का सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो उन्होंने कंपनी को डिपॉजिट दिया है या एडवांस दिया है, तो वहां पे कस्टमर का केवल आप सिक्योरिटी का डिटेल डिस्प्ले करके देख सकते हैं। जब हम वेंडर में जाते हैं तो वेंडर में हम वेंडर का एडवांस से रिलेटेड हम डिस्प्ले करके देख सकते हैं, तो वेंडर का वेंडर से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है तो इसलिए के डिस्प्ले नहीं हुआ। जब जीएल में जाते हैं देखिए BL3N कर दिए हमने और यहाँ पे हमने एक जीएल लिया हुआ है, तो यहाँ पे जीएल नहीं, स्पेशल जीएल नहीं होता है, यहाँ पे केवल आप नॉर्मल आइटम ही डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वेंडर में और कस्टमर में आप स्पेशल जीएल के थ्रू सिक्योरिटी डिटेल भी डिस्प्ले कर सकते हैं, एडवांस भी देख सकते हैं, लेकिन जीएल में ऐसा नहीं है। ये देखिए डायनामिक सिलेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हम जब डायनामिक सिलेक्शन के थ्रू कोई डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सारे फील्ड रहते हैं जो कस्टमर से रिलेटेड फील्ड है जिसके थ्रू आप डाटा डिस्प्ले करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे हम अगर यहाँ पे पोस्टिंग डेट के थ्रू देख सकते हैं, ग्रुप की के थ्रू, कंट्री के थ्रू, सिटी के थ्रू हमें अगर देखना है तो वो डाटा हम सारे डिस्प्ले कर सकते हैं, ये सारे हैं। लेकिन जब हम वेंडर में जाते हैं तो वहां पे वेंडर से रिलेटेड जितने हैं वही हम डायनामिक सिलेक्शन के थ्रू ये डाटा डिस्प्ले करके देख सकते हैं। लेकिन जब हम जीएल में जाते हैं तो जीएल में जीएल्स का जो फील्ड होता है वो सारे डिफरेंट तो रहता है जो आप उस फील्ड के थ्रू डिस्प्ले करके देख सकते हैं। FBL5N करके डाटा को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, नॉर्मल आइटम ले रहे हैं, स्पेशल जीएल हटा रहे हैं और इसको डिस्प्ले करते हैं। और जब हम इसको डिस्प्ले करके डाउनलोड करते हैं तो इनका डाटा डिफरेंट होता है तीनों का डाटा। जब हम कस्टमर से रिलेटेड डाटा SAP से डाउनलोड करते हैं तो उसमें कस्टमर से रिलेटेड ही डाटा आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हम इसको डाउनलोड करते हैं एक्सेल में तो वही डाटा डिस्प्ले होगा जो डाटा आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। देखिए हम जैसे गए यहाँ पे अलाउ किए, फिर एक बार अलाउ किए और ये डाटा आप जब डिस्प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए इसका डिफरेंट है। जब हम यही चीज अगर वेंडर का डाटा हम डिस्प्ले करके दे लेते हैं तो उसका भी डिफरेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे हम इसको भी इसमें डाटा नॉर्मल नहीं है इसलिए कि डिस्प्ले नहीं हुआ है, नॉर्मल डाटा हम लेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। और जब हम इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सेम डाटा डिस्प्ले होगा। तो मतलब ये है कि तीनों का जो है जब हम डाटा डाउनलोड करते हैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो तीनों का डाटा भी डिफरेंट होगा। इसी तरह से जब हम इस पे फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर लगाने पे हम तीनों का फिल्टर लगाने पे डाटा तीनों का डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए वेंडर में जाते हैं और वेंडर में हम अगर असाइनमेंट पे लगाते हैं
हमारा असाइनमेंट का जो है, हम अगर एक यहाँ से हम कोई कॉपी करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ हम डिस्प्ले करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ अगर फिल्टर लगाते हैं तो देखिए कस्टमर का डाटा जो है फिल्टर लगाने पे डिफरेंट शो होता है। इसी तरह से वेंडर में करेंगे तो वेंडर का डाटा डिस्प्ले डिफरेंट होगा, अगर जीएल का कर रहे हैं तो जीएल का डाटा डिफरेंट होगा। तो इस तरह से जो है हम तीनों लेजर का डाटा डिफरेंट होगा, तीनों का हमने आपको सारे तरह से डाटा डिस्प्ले करके भी समझाया है, प्रैक्टिकली भी दिखाया है। तो ये सारे तीनों लेजर के अंदर में डिफरेंट है, जो आप समझ गए होंगे कि तीनों लेजर के अंदर में क्या-क्या मेन डिफरेंस है। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।